हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड के साथ। इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे माइंड ट्री के बारे में। तो अभी कुछ समय पहले ही हम लोगों ने माइंड ट्री की बात की थी, उसमें हम लोगों ने बोला था कि अभी बाय कर सकते हो, बाइंग की उसमें बात की थी। तो अभी फिर से एक बार रिविजन करते हैं, एक बार फिर से कह सकते हैं हम लोग रिमाइंडर है कि फिर से इसमें हम लोग को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर उस समय नहीं बाय किया था तो फिर से बाय कर सकते हैं, और जो पहले से बाय कर रखे हैं उनको अभी थोड़ा सा होल्ड करके रखना है। हालांकि ये तो हो गया शॉर्ट में, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के लिए आगे वीडियो देखो और समझ लो। अब मार्केट कैप वाइज देखेंगे तो एक लार्ज कैप कंपनी है, स्टॉक आईटी की कंपनी। हालांकि पिछले कई वीडियो में हमने बात की आईटी कंपनीज के अंदर कि यूएसए और यूरोप में रिसेशन की वजह से थोड़ी सी सर्विसेज में प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे हो सकता है कि कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ ना हो, क्योंकि रेवेन्यू पे मतलब रेवेन्यू हम लोग उतना एक्सपोनेंशियली नहीं देख सकते कि बढ़ेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत गिरे ही, और मार्जिन पे थोड़ा सा असर पड़ सकता है। बट फिर भी इसके अंदर ट्रेड लेना पसंद इसलिए करेंगे क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, और थोड़ा बहुत अगर देखेंगे रिजल्ट्स पे तो रिजल्ट्स पे उतना ज़्यादा असर पड़ा नहीं है। जैसे यहाँ पे मार्जिन देखेंगे तो मार्जिन 21 से 20 ही गिर के आई है, और इंपैक्ट देखेंगे सेल्स पे तो सेल्स कहीं ना कहीं बढ़ते हुए हम लोग को नजर ही आ रही है यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अभी तक नहीं दिख रहा, तो हम लोग कह सकते हैं कि नेक्स्ट 2-3 मंथ्स अभी ये सेफ रहने वाला है, तब तक के लिए तब हम लोग उसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल दोनों ही बेहद ही अच्छे हैं। प्रमोटर्स होल्डिंग अच्छा है, सेल्स ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, मार्जिन अच्छी है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। मतलब इसको हम लोग डाल सकते हैं अच्छी कैटेगरी की कंपनी में। रिटर्न ऑन सॉरी CAGR ग्रोथ देखेंगे तो लार्ज कैप होने के बाद भी काफ़ी अच्छी है, एग्रेसिव है। और डेट टू रिजर्व देखें अगर हम लोग तो डेट बहुत ही कम है इनका, और रिजर्व इन्होंने अच्छा खासा मेंटेन करके रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस आएंगे ईयरली तो देखेंगे सेल्स 1500 से बढ़ के आज 12000 के आसपास आ गए। मार्जिन देखेंगे तो मार्जिन स्टेबल है अभी, काफ़ी मतलब एक पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर है, मतलब 12% से बढ़ के आज 21% के आसपास है। बाद में हो सकता है गिरावट देखने को मिले, बट अभी 2-3 महीना तक तो सेफ ही है फिलहाल। अभी हम नेट प्रॉफिट वाइज देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा यहाँ पर इंक्रीमेंट आया है। और सीधे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तरफ बढ़ते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में थोड़ा सा 13% की यहाँ पर देखेंगे गिरावट आई है प्रमोटर्स की होल्डिंग में, बट FIs और DIs की होल्डिंग में हम लोग देख सकते हैं कि इंक्रीमेंट है, और पब्लिक की होल्डिंग में भी है। पब्लिक की होल्डिंग इतना हमें पसंद नहीं अगर बढ़ रही हो, लेकिन फिर भी देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग बढ़ी है, तो थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं कि सेफर साइड में हो सकता है कैपिटल की ज़रूरत हो, पैसे की ज़रूरत हो, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग आगे देखने को मिली है। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग नीचे से एक कप एंड हैंडल बनाया बहुत ही स्मूथली। इन लेवल्स पर हम लोगों ने बाय करने के लिए बोला था, यहाँ से स्टॉप लॉस इन लेवल्स को लगाने को बोला था, इसके नीचे आ गया था एक बार, लेकिन फिर से देखेंगे री एंट्री का मौका दिया था इसने जब ये वाले लेवल्स पे दोबारा आया था। यहाँ पे री एंट्री नहीं की तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखेंगे 200 EMA को भी इसने क्रॉस कर लिया, तो एक फिर से हम लोग देख सकते हैं कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज के अंदर है। अब करना क्या होगा, यहाँ पे हम लोग बाइंग करेंगे तो स्टॉप लॉस सिंपल इन लेवल्स के नीचे लगा के आराम से बैठ सकते हैं, सेफर साइड पे है ये स्टॉप लॉस, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, और सेफ जगह पे इसलिए भी है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट स्विंग है और जस्ट 8 EMA और सॉरी 10 EMA और 200 EMA के नीचे है, तो एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे। अगर इसके नीचे आता है तो कोई बात नहीं है, दोबारा ऊपर जाएगा तो फिर से री एंट्री करने की कोशिश करेंगे, वो वाली एंट्री लास्ट टाइम होगी, तीसरी बार से ज़्यादा इसके अंदर एंट्री ले लेंगे। कंपनी अच्छी इसलिए 3 बार ट्रायल दे रहे हैं, नहीं तो 2 बार के बाद हम करते नहीं किसी में ट्राई, 2 बार के बाद मतलब उस सेम पैटर्न पर नहीं करते, पैटर्न चेंज हो जाए तो उस पर हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे पहला टारगेट अपना इन वाले लेवल्स का होगा, दूसरा टारगेट इन लेवल्स का होगा, तो ये दोनों लेवल्स के लिए हम लोग बाय करेंगे। टारगेट से बार यहाँ पे मार्क कर दे रहे हैं ताकि देख जाए लेवल, 1-4-4-3-9 सेकेंड टारगेट, अल्टीमेट टारगेट 5-0-1-5। शायद सेकेंड वाला टारगेट ना अचीव हो पाए, लेकिन फिर भी हम लोग देख सकते हैं सेकेंड टारगेट अचीव हो जाएगा अच्छे स्विंग के साथ। ये वाला टारगेट होगा हमारा पहला 22% का, दूसरा टारगेट होगा 38% का, तो अच्छा खासा रिटर्न है। तो इसी के साथ चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, बेल आइकन वाले नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाना, और खास करके अपना कैपिटल सेफ रखना मार्केट के अंदर। ओके बाय।